इतनी लंबी कहानी सुनाकर बोर कर दिए, पैसे कहाँ हैं? लाओ। बिस्मिल्लाह। हाय हाय बजी, इतने सारे पैसे! पुत्र साथ माशा लगाओ, नजर लग जाती है बेटा। अब्बा जी, जारा कितनी रहमत बनकर आई है इस घर में। ये तो कुछ ज्यादा ही रहमत है, कहीं जहमत ना बन जाए। ओ मिर्जा, तैनू ओ याद करो, या आखिरी मर्तबा तूने कब अच्छी बात की थी? पुत्र छिले की बातें नहीं याद रहती। अब्बा जी, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, अब ना सारा घर इन्हें आप बनवा लेंगे ताकि जारा का दिल लग जाए। और हमारा दिल, उसका क्या होगा? बाईपास। ओ पुत्र, ओ तुम्हारी शक्ल क्यों उतर गई है इतने पैसे देख के? इतनी रकम कौन घर लेकर आता है? ये बैंक में रखवाने थे खान साहब, मैं तो आपके लिए परेशान हूँ। परेशान क्यों ना भाई, खबरें नहीं पड़ते, डकैतियां कितनी बढ़ गई हैं, अब तो वो जाते हुए सबको मार भी जाते हैं। बिना पैसों के क्या करोगे जी का? कैसी मनहूस बातें कर रहे हैं मिर्जा भाईजान। मुझे तो आपकी फिक्र हो रही है खान साहब। थोड़ी दूर होकर फिक्र कर, ये इलाका और इतनी रकम, कब किसकी नीयत बदल जाए क्या पता चलता है। ओ मनहूस बेटे, ओ पुत्र, किसी को क्या पता है कि हमारे पास इतने पैसे हैं? अब्बा जी, सारे मोहल्ले को पता है हम सूदी से प्लाट छुड़ाने गए हैं। हाँ, सुबह से वो नगमा, पुप्पो, शमीम चाची, निको खाला, शबनम आपदा सब आई थी आपका पता करने। शाबाश को मस्जिद में ऐलान हुआ था जो इतनी औरतें आ गई। ओ रजिया को कड़ाई थी। वैसे अब्बा जी, मिर्जा बात तो सही कर रहा है, ये पैसे रखेंगे कहाँ? अब्बा जी, मेरा ख्याल है मैं पैसे थोड़े थोड़े करके ना सारे घर में छुपा देने चाहिए। ना ना ना, ये ना करना, डाकुओं को पैसे ढूंढने में मुश्किल हुई, गुस्से में ही ना मार जाए सबको। पायना, आपके कमरे में इतना सामान पड़ा है, वहां छुपा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे कमरे में नहीं रखना, मुझे तो नींद नहीं आनी सारी रात। सलीम पुत्र, तुम्हारा वो भी जरा गरीब वो वाला है, तुम अपने कमरे में रख लो पुत्र, शाक भी नहीं होगा। नहीं नहीं अब्बा जी, हम ऐसा करते हैं, हम ना किचन में छुपा देते हैं। ना 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 ना, ऐसा तो बिल्कुल ना करना। पता है एक मर्तबा एक शख्स ने किचन में रकम छुपा दी, क्या हुआ? और ना पूछना क्या हुआ, इसने को मनहूस बात कर दी है, सारी रकम चूहे कुतर गए। ओई गल ओई ना, पुत्र किचन में ना रखना बेटा। अब्बा जी, राजू के कमरे पर किसी को शक भी नहीं होना। हाँ, राजू का कमरा सही रहेगा अब्बा जी। नहीं नहीं, मेरा कमरा क्यों सही रहेगा, मैं क्या बैंक के लॉकर में सोता हूँ? जितने ताले तू लगाता ना, तो बैंकों में भी नहीं लगे होते। ये भी बात सही है, डाकू खाली आ चले जाएंगे लेकिन इसके कमरे का ताला नहीं खुलेगा। ये बेहतर ख्याल है, अब डाकू आए भी तो इसे मारेंगे, आप सब महफूज रहेंगे। और मिर्जे, और जा तू अपने घर जा, ये हमारा जाती मसला है, हम देख लेंगे। खान साहब, मैं तो कहता हूँ ये आप ना अपने कमरे में रख लें। ना 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 खान साहब, ये ना करना, आप तो सोते भी गहरी नींद है, डाकू ने तकिया रख के मार देने, खान साहब की आवाज भी नहीं निकलेगी। हाय हाय मिर्जे, चल उठ अपने घर जा, बस बहुत हो गई है, निकल। मुखलिस हमसाए खुदा की रहमत होते हैं। चल। ओ पुत्र बात सुनो, ओ पैसे राजू के कमरे में रख दो और साथ एक तकिया भी रख खाना, ताकि डाकू तकिया ढूंढ ले कहीं मेरे कमरे में ना आ जाए। लेकिन खान साहब, ये ओ पुत्र, वो एक रात की बात है, कल अपने बैंक में जमा करा देने हैं, रखो पुत्र राजू के कमरे में रखो। अच्छा ठीक है, फिर मैं खुद ही रख देता हूँ, आप लोग यहीं बैठो। ओ बात सुनो बेटा, इसके पीछे जाओ, कहीं इसके कमरे में बैक डोर ना हो, जाओ मेरा पुत्र। अब आप लोग कहाँ आ रहे हैं, चिड़ियाँ इतनी तंग हैं ये। और तू हमें हमारे घर की चिड़ियों का सैर बताएगा? अच्छा आप दो मिनट यहीं रुके, मैं जाके देख लूंगा कमरा ठीक ठाक है ना। ओ बेटा, हम वहाँ पे रहने नहीं जा रहे, पैसे छुपाने जा रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं एक दफा नजर मार लूँ ना कि हालत तो ठीक है ना कमरे की। चल राजू आगे निकल, चल चल, भारी तो है नहीं, अकेला रख लूंगा। देखे तो सही है ये, मैं
वो क्या हो गया बेटे? लगता है सर्दी की वजह से ना चाबी सुकड़ गई है, मैं रख लूंगा, आप लोग जाएं। ओ बेटा ज़ेब्रा क्रॉसिंग ताला खोल। आप ना बात को समझ नहीं रहे, अंदर ना बत्ती नहीं है, आप लोगों को नजर ही नहीं आएगा, जाए मैं रख लूंगा। बेटा हम गोजरे से आंखें बनवाने आए हैं, मोबाइल की लाइट में कोई अच्छी सी जगह ढूंढते हैं और वहां पैसे चुबा देते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, मेरा कमरा है ना, मुझे सारी अच्छी जगहों का पता है, मैं रख लूंगा, आप जाए। और राजू यार तेरा मसला क्या, हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहा यार? मेरा कमरा मेरी मर्जी, मैं अकेला जाके रख दूंगा, आप जाए। ठीक है बेटा, फिर हम भी लाजमी अंदर जाएंगे, हमें भी तो पता लगे पाए ना अंदर है कि। ऐसे कैसे अंदर जाएंगे, मैं ताला खोलूंगा तो जाएंगे अंदर। ओ बेटा, ओ लवे मौला तेनू क्यों वक्त बर्बाद कर रहा है, दरवाजा खोल। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हैं, आप जाएं अपना अपना काम करें, मैं अच्छी सी जगह देख के ना छुपा दूंगा, मेरे पे कोई बेतबारी है भला? तूने नहीं माननी? नहीं, जब तक आप लोग यहाँ खड़े हुए ना मैं ताला नहीं खोलूंगा। ठीक है फिर हम भी आज यहीं खड़े हैं। मेरी तरफ से सारा दिन खड़े रह जाए। हाँ तो सारा दिन क्या, हम सारी जिंदगी यही खड़े हैं, ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही। ठीक है। इस घर में तो ना दिन को चैन है ना रात को। तौबा है, मजाल है जो जरा एहसास हो किसी को। क्या हो गया? तुम इस वक्त किचन में क्या कर रही हो? दांत मांज रही हूँ। नन्ना मियाँ बंदा इस वक्त क्या करता है किचन में? पानी पीने आई थी यार। हे जारा, तूने तो हमें डरा ही दिया था। इसमें डरने वाली क्या बात है, तो मुझे समझ नहीं आती। ये नखला कमरे में पानी नहीं था तो पानी लेने आई थी। अच्छा पुत्र, कल से ना मैं कमरे में पानी का जग भी रख दिया करूँ। इतनी घबराई हुई क्यों है आप? हाँ सच, तुझे तो पुत्र पता ही नहीं, इस वक्त घर में ना करोड़ों। क्या हुआ, पानी दो? नहीं बैठे, नहीं, वो एकदम रजाई में से उठा हुआ तो ठंड लग गई है। जा मेरा पुत्र, तू सो जा, जा सो जा। हाँ लेके घूमते रहते हो सारी सारी रात घर में। अब्बा जी सॉरी। अच्छा जा कर रहे, तो जाओ या बुरा ना, या पुत्र जा कुगा बात कर को कर रहे हो। अच्छा मैं ही हूँ मेरा ख्याल। आप दो मिनट बैठो, मैं जरा होके आता हूँ। एक मिनट, जल्दी आई, मैंने भी जाना है। अच्छा जी, भजन ठंड है ना बहुत, तो आप भी जाके आराम से सो जाए ना।
सलीम किया है ना, तो जाके ना गरम गरम रसाई में घुस गया होगा। सुबह से पहले ये नहीं निकलता, आप भी जाके आराम करें। राजू वो दरवाज़ा खोल दे, छोटा भाई नहीं मेरा? तो आप भी जिद छोड़ देना, चले जाए सोने के लिए, आप बड़े पिरा नहीं है मेरे। पता नहीं कौन सा दिन था जब बाबा जी तुझे इस घर में लेके आए थे। वाही वाह वाही वाह वाही वाह। राजू ठंड तो नहीं लग रही? नहीं बस थोड़ी थोड़ी लग रही है। कर क्या रहा है ये? पता नहीं, इतनी सर्दी में स्टबू खेल रहा है इसने। आए हाय 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 हाय। ओ लकीर, राजू पुत्र मान जा, नहीं तो सलीम तू मान जा। पर आज अगर हम अंदर नहीं जाएंगे ना तो इसको भी नहीं जाने देंगे। हाँ तो ठीक है, फिर सवेरे इंशाल्लाह यहाँ से सीधा बैंक जाएंगे फिर। हाँ तो सुबह में तो बड़ी देर है, लग पता जाएगा। हाँ तो लग पता जाएगा, मेरे पास तो ये है, आपके पास क्या है? उधर ज्यादा नेड़े ना कोई चीज ना सड़ जाए तेरी। अभी आप सड़ो, समझ आई ना? आए आए आए। ओए राजू, ओए लबे मौला तेनू, ओए बड़े बड़े ढीठ देखे हैं, पर तेरी कपड़ी क्लास है और वो भी थर्ड क्लास है। जारा की यूनिवर्सिटी ना होती ना तो मैंने उठना नहीं था। आए। 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 आए।
जारा पुत्र मैंने ना आज तेरे लिए, हाय अल्लाह, एक तो ये रास्ते में ही सो जाती है। शाबाश है, मैं रास्ते में सोई हुई हूँ, तुम लोग अब बस्तले मुझे उठा के घर से बाहर फेंक दो। अब सुबह सुबह ना शुरू हो जाए, सो जा। सोने तो नहीं दे रहा यहाँ पे कोई। वो पुत्र मैं तेरे लिए टिफिन लेकर आई थी। ओ थैंक यू। हो गई तैयारी? हाँ हाँ हो गई तैयारी। आज भी देर से ही आएगी? हाँ यार देर से आऊंगी, यूनिवर्सिटी है, फिर वहीं से जॉब पे और जॉब से फिर यहीं पे। चल ठीक है, खैर से जा। पुत्र वो मैंने पूछना था कि कल तेरी अलमारी ठीक कर रही थी ना, तो कुछ कपड़े तेरे नजर नहीं आए मुझे, कहाँ है वो? वो कपड़े? हाँ वो कपड़े कैसे नजर आएंगे, वो तो यूनिवर्सिटी में लड़की को चाहिए थे तो मैंने दे दिए। हाँ तेरे पास पहले अपने कौन से थे? चल कोई नहीं, मैं वसीम से कह के ना दो चार जोड़े ना नए बनवा दूंगी तुझे। ओके बाय। चल ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज, थैंक यू। भाभी को एक आधा जोड़ा अपना भी बनवा ले, शलवारें सारी कस गई हैं तेरी। ओ काका बल्लो, ओ पुत्र तू घर ही बैठा हुआ है, ओ काम के तेरे जज्बात कुछ देर के लिए ही जागे थे। अब्बा जी वो तो गरीबी के दिनों की बात थी, अब तो इतना पैसा है कुछ बड़ा सोचे। पुत्र इतना भी पैसा नहीं है, काम काज ही छाड़ दो, घर ही बैठे रहो। मैं कौन सा काम छोड़ने को कह रहा हूँ, कुछ बड़ा करने को कह रहा हूँ। अब्बा जान अम्मी जान क्या करती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता। अम्मी जान तो और भी बड़ा कुछ कहती थी, खास तौर पर अब्बा जी के बारे में। ओ पुत्र ओ बेटा, वो घर बैठे हुए तो खून खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल सही है भाजी, कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं भाजी, और बाकी जो पैसे बच जाए वो इन्वेस्ट कर लेते हैं, आमदन भी बनी रहेगी और पैसे भी महफूज रहेंगे। ओ पुत्र इसका तो दिमाग खराब हो गया, वो मेरा पुत्र कमरा शुरू करा। ओ राजू वो लकड़ पगे और जा जाके पुत्र वो बुला के ला उनको, यूनस ठेकेदार को ले गया। खान साहब हमने कमरा खुद नहीं बनाना था। वो काका जिसका काम उसी को साजे। खान साहब ये मंजी भी किसी और से कसवा लेनी थी। वो काका मंजी कस के तेरी कमर दूरी हो गई है, ईटे कैसे फेंकेगा, जा मेरा पुत्र यूनस ठेकेदार को बुला के ला, जा मेरा पुत्र। भाई और एक मिनट पुत्र, ओ या अल्लाह, वो इसका बटन कौन सा दबाना है? अब्बा जी खबे अतला, अब्बा जी तुहाडा नहीं फोन का खबा हाथ, वो बटन नहीं है जिसे फोन की फोटो बनी हुई है, वो वाला बटन दबाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खान साहब, तबीयत कैसी है? एहसन कमाल अर्ज कर रहा हूँ। मेहरबानी जनाब मेहरबानी, मैंने पहचाना नहीं जी। अरे खान साहब एहसन कमाल बोल रहा हूँ, जारा की यूनिवर्सिटी का डीन। जनाब 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 ताबेदार जी, ताबेदार जनाब, खरीद प्रोफेसर साहब ठीक ठाक हो? बस जी बेहतरीन बेहतरीन। वैसे मेरा काम तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा चले इस बहाने आपसे बात भी हो जाएगी और आपको इतला भी दे दूंगा। जी किस बात की इतला जी? खास साहब मैंने आपसे कहा था ना कि आप बेफिक्र हो जाएं, ये यूनिवर्सिटी आपकी है। हाँ जी बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी। वो मैंने हॉस्टल का काम कर दिया था जारा का, और उसकी फीस भी माफ कर दी है। हॉस्टल में कमरा जी? हाँ जी हाँ जी, हॉस्टल का कमरा, जारा आई थी ना मेरे पास, उसे हॉस्टल में कमरा चाहिए था तो मैंने ओके कर दिया और वार्डन को भी बता दिया, इंशाल्लाह उसे वहाँ पे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। बस समझे कि वो हॉस्टल नहीं है, उसका अपना घर है। जी जी बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी। अरे खान साहब मेहरबानी मेरी, ऐसी कौन सी बात है। और देखे ना वैसे भी तो हॉस्टल है भी यूनिवर्सिटी के अंदर ही, इस तरह जारा की पढ़ाई जो है वो ज्यादा बेहतर हो जाएगी और वहाँ ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई करती रहेगी। हाँ जी हाँ जी, मैंने भी यही सोचा था जी। मैंने सोचा आपको तसल्ली दे दूं, वैसे कभी यूनिवर्सिटी आए ना तो मिलिएगा जरूर। हाँ जी हाजिर होता हूँ जी, हाजिर होता हूँ। बड़ी मेहरबानी जनाब, शुक्रिया जी, शुक्रिया जनाब।
खुदा हाफिज जी। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज जी। वाह खान साहब, आपसे बात करके दिल खुश हो जाता है, क्या बात है। क्यों है भाजी? भाजी, भाजी, सब खैर है? सब सब ठीक तो है ना भाजी? डग जा फिर बोया की है, मैं ही पता, भाजी नहीं पता। वैसे 100 लोग आ जाएंगे ना यहाँ? आराम से 100 लोगों की तो कैपेसिटी है यहाँ पर। नहीं, बच्चे भी तो हैं ना। उनको मूव करने, भागने दौड़ने के लिए स्पेस चाहिए होती है। आई अंडरस्टैंड। बेसिकली जब भी हम, एक मिनट, सॉरी, जब भी हम यहाँ पे कोई बर्थडे इवेंट करते हैं ना, तो हम सारा जो डिकोर है वो उसी हिसाब से करते हैं ताकि लोगों के लिए मूविंग अराउंड की स्पेस हो। सो डोंट वरी अबाउट दैट। मेरे बेटे को स्पाइडरमैन बहुत पसंद है। अच्छा, क्या उसके मुताबिक पूरी थीम हो सकती है? या एब्सोल्युटली, वी हैव अ लॉट ऑफ इन हाउस डेकोरेटर्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वाले लोग हैं जो बहुत माहिर हैं उसमें, तो हम अंदर सब चीज़ें डिस्कस करके कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक फ्लैक्स लगवा सकते हैं, उसके ऊपर स्पाइडरमैन की थीम हो सकती है, आपके बेटे का नाम लिखवा सकते हैं, स्पाइडरमैन का केक करवा सकते हैं, मतलब बहुत सारे आइडियाज़ हैं, वो फिर हम मिल के जनरेट कर सकते हैं। तो इसकी टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट जब आप मुझे सारी डिटेल्स बताएंगी, उसको हम लिखेंगे, फिर मैं आपकी जौहरी साहब से एक मीटिंग कराऊँगी, उसके बाद फिर मैं आपको बजट बता सकूँगी। फिर भी एनी रफ आइडिया? रफ आइडिया तो आई थिंक अराउंड जो यहाँ का स्केल है उसी हिसाब से पता चलेगा। हाय ज़ारा। हाय रोमान। तो प्लीज़ कैरी ऑन। मैं कह रही हूँ कि स्केल का जब पता चलेगा तभी फिर मैं आपको बजट का आइडिया दे सकती हूँ। आई एम सॉरी, इज शी डीलिंग यू वेल? जी जी बिल्कुल। बहुत थोड़े अरसे में इन्होंने सारा काम संभाल लिया है, बहुत एफिशिएंट है हमारी रिसेप्शनिस्ट कम मैनेजर। अच्छा, असल में ये होता है कि लड़कियां कुछ काम बहुत अच्छी तरह से करती हैं और कुछ काम इनके बस की बात नहीं होते, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये डिफरेंस को बहुत जल्दी समझ जाती हैं, लड़कों की तरह ईगो का मसला नहीं बना लेती। ज़ारा वेल डन, मैं जोरी को कहूँगा कि तुम अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रही हो, बल्कि वो क्या कहते हैं इंग्लिश में कि You're the right person for the right job. Keep it up. आप रुमान है ना? जी जी, the stand-up comedian. अच्छा, आप लोग बात करें हैं? Good luck, ज़ारा. So, मैं आपकी मीटिंग करवा दूंगी जो हिसाब से आ रहा, फिर डिस्कस कर लेंगे। जी जी, आप अपना नंबर रिसेप्शन पे दे दो। ओके ओके। वैसे ये उसने अच्छा नहीं किया, बाहर से पता चल रहा है हमें, पूछना तो दूर की बात, बताने के भी काबिल नहीं समझा उसने हमें। हो सकता है यूनिवर्सिटी वालों को कोई गलती लगी हो, आप ज़ारा से बात तो करें। क्या बात करें, वो फैसला कर चुकी है। भाभी, वो उसका यूनिवर्सिटी के हेडमास्टर का फ़ोन ना आता ना, तो उसने जाकर ही बताना था हमें। ये वैसे ना बहुत ही गलत किया ज़ारा ने। पता नहीं क्या बात है, ऐसा क्या हुआ है, वरना वो तो इस घर में बड़ी खुश लग रही थी। उससे पूछे तो सही, मसला क्या हुआ है उसे यहाँ पे, कमरा भी तो बनवा के दे रहे थे उसे। आफरीन, हमसे जो हो सका ना हमने किया है, उसने रहना ही नहीं था यहाँ। भाभी आप पूछें ज़ारा से। अब कोई जरूरत नहीं है पूछने की। अब्बा जी आप भी तो कुछ बोले आज। हाँ अब्बा जी, आप उससे बात करें ना, महिला बाजी ने इसलिए भेजा था उसको यहाँ पे। और क्या बात करें, उसकी नजर में कोई छोटा बड़ा है ही नहीं, नौकरी करने का फैसला भी पहले उसने खुद किया, अब हॉस्टल में भी रहने का। इन सब बातों में अब क्या रखा है, हो सकता है बेचारी को कोई परेशानी हो यहाँ पे। भाभी आप लोगों के साथ ही रहती थी ना, कोई परेशानी थी तो बता देती, उसने तो बिनक नहीं पड़ने दी कि वो जा रही है। तो क्या ऐसे ही जाने देंगे उसे हम यहाँ से? तुझे क्या लगता है उसे रोक सकते हैं? अगर हमारी इतनी वक्त होती तो यहाँ तक नौबत ही ना आती। हाय हाय, दिल ही तोड़ दिया ज़ारा ने कसम से।
अब्बा जी आज आपने ऐसे चुप रहना है। यार तुम्हें गाना सुनाऊं, कल मैंने बनाया रात को। एक सेकेंड, प्रोजेक्ट खुल जाए। रेडी? एको जानबूझ कर इग्नोर करी है या कुछ चल रहा है? हेलो, सुन रही हूँ कबीर, आ रही है आवाज। क्या हुआ? Is everything okay? कुछ नहीं, बिजी हूँ, देख नहीं रहे हो। जल्दी से ऑर्डर लेके जाओ यार, वहाँ देर हो गई है। ओके, मतलब तुम्हारा बात करने का मूड नहीं है। मैं जाऊँ? हाँ, तुम्हारी मर्जी। सुनो, यहाँ से टिश्यू तो नीचे निकालो। तुम्हारा तो बहुत ज़्यादा मूड खराब लग रहा है। क्या हुआ है? मैंने कुछ किया? वो किया भी है तो क्या किया है? क्यों लगता है कि तुम मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो कि तुम्हारी वजह से मेरा मूड ऑफ हो जाएगा? इजी इफ यू डोंट वांट टू टॉक दैट्स फाइन। मैं यहाँ बातें करने के लिए नहीं आती ना, ये मेरी वर्क स्पेस है, मैं यहाँ पे काम करने के लिए आती हूँ। अनलेस यू थिंक यू कैन। नो सॉरी, आई वोंट बॉदर यू, प्लीज कंटिन्यू वर्किंग। सॉरी, थैंक यू, बाय। वहाँ पे जाओ, जाके उनसे ऑर्डर लो, देखो वो लोग क्या कह रहे हैं। सुबह से आए हुए। मैं कुछ दिनों से देख रही थी उसकी अलमारी से उसके कपड़े और दूसरा सामान गायब था। शायद थोड़ा थोड़ा करके लेकर जा रही थी। तो तूने पूछा नहीं उससे? पूछा था, कह रही थी किसी दोस्त को दिए। उसे हमसे झूठ बोलने और ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? उसे लगा होगा कि हम उसे रोक लेंगे। उसे हमने किस चीज से रोका है? तलीम, नौकरी, सब कुछ तो वो कर रही थी यहाँ पे। असल में ना उसे इतने ज्यादा लोगों में रहने की आदत ही नहीं थी। चलो, अब तो रह लेगी अकेली अपनी मर्जी से। कैसी रहेगी अकेली और क्यों, जब उसका अपना घर है? बैठे है तो फिक्र ना हाकार, सोचा ही होगा ना उसने। तो वो मैं सोच रही थी कि हमने एक बस रही ना, छोड़ दे उसे। तो क्या हम उसे रोकेंगे नहीं? उसने रोकना नहीं। इसमें ज़ारा के कपड़े भी हैं? हाँ, क्यों? सही से धोए है ना, हो सकता है वो उजली धुलाई देख के रुक जाए। तुझे तो ठंड पड़ गई ना? मुझे क्यों ठंड पड़नी है? मुझे ठंड पड़े ना पड़े, तुम लोगों की आंखें तो खुली है ना, बड़े वारी वारी जा रहे थे। हाँ तो ठीक है ना, उसकी मर्जी, जहाँ रहे खुश रहे। क्यों, यहाँ खुश नहीं थी वो? कमरे का डिजाइन बन रहा था उसके लिए, रोज नए नए खाने बन रहे थे, इतने लाड उठाए जा रहे थे। हिना मेरी बहन, बात सुन, जले पे ना नमक छिड़कना बंद कर। मुझे क्या जरूरत है नमक छिड़कने की, मुझे तो सारे फटाफट सुना देते हैं। कैसे तूने उसे मुझे तलाक का ताना दे दिया था? हाँ है, मैंने कब ताने दिए थे तुझे? हैं, क्यों, तूने मुझे नहीं कहा था कि क्यों अपने शौहर को छोड़ के आ गई थी? मैंने तो ये कहा था कि देखो, इंसान को ना सिर्फ पैसा नहीं चाहिए होता, इज्जत और प्यार भी चाहिए होता है। तुझे नहीं ना मिला इज्जत और प्यार, तभी तो तू वापस आ गई यहाँ पे। हैं,
जी जी बिल्कुल, तो फिर तुम लोगों का ये प्यार मोहब्बत ज़ारा के पैरों की बेड़ियाँ क्यों नहीं बना? वो क्यों जा रही है? मुझे नहीं पता, तू खुद पूछ ले। मुझे क्या जरूरत है पूछने की? तुम लोग पूछो ना, जो बड़े और ही हवाओं में थे, कैसा जमीन पे ला के मारा है उसने। अच्छा, तो तू मुझे उस दिन का जवाब दे रही है? जी नहीं, मैं तुझे सिर्फ ये बता रही हूँ कि एकतरफा प्यार कुछ नहीं होता, और वो लड़की पागल नहीं है जो तुम लोगों की लोलो पोपो के पीछे यहाँ बैठ के अपनी जिंदगी बर्बाद करे। मेरी बहन, जलना छोड़ दे, चाय पी। पी रही हूँ। कविश को देखा है? नहीं मैम, उनको तो काफी देर से नहीं देखा। वहाँ कोने वाली टेबल पे नहीं था? नहीं नहीं। अच्छा, नहीं हो, मुझे लगा। क्यों नहीं उठा रहे कबीर? फोन क्यों नहीं उठा रहे? हाँ जी बोले, क्या बात है? फोन क्यों नहीं उठा रहे? बिजी था। एटीट्यूड दिखा रहे हो। मैं एटीट्यूड दिखा रहा हूँ। ऑफ कोर्स। और जो अंदर था वो? कबीर, उसी को क्लियर करने के लिए मैं बाहर आई हूँ, पर तुम्हें देख के काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट हुई है? जी। यानी कि सारी गलती मेरी है? ऑब्वियसली, मेरा मूड ऑफ है, पूछो मुझसे क्या हुआ है तुम्हें। फिक्स करता है बंदा किसी का मूड खराब हो तो, उल्टा तुम लड़के अपना मूड ऑफ करके यहाँ आ गए हो। अच्छा, मैं लड़के यहाँ आ गया हूँ, तो बेसिकली मूड भी तुम्हारा ऑफ है, गुस्सा भी तुम कर रही हो, बातें भी तुम सुना रही हो, और मैं लड़के आके जी सब कुछ कर रहा हूँ, सारी गलती मेरी है। ये वाला कॉन्फिडेंस जो है ना, ये चाहिए मुझे। आ जाएगा, सिखा दूंगी ऐसा ऐसा। अच्छा सॉरी कबीर, तुम खुद सोचो ना, मैं कितने स्ट्रेस में हूँ। हॉस्टल शिफ्ट कर रही हूँ अकेले, उसका स्ट्रेस है, ऊपर से वो रुमान जिसने दिमाग खराब किया हुआ मेरा। कुछ कहा उसने? ऑफ कोर्स, कहता ही है, बकवास तो वो करता ही रहता है ना, पर गुस्सा मुझे तुम पे है। मुझ पे क्यों गुस्सा है भाई? यार क्योंकि मेरा मूड ऑफ था कबीर, मुझे फिक्स करो, मुझे पूछो। खुद मेरे अभी अपना मूड ठीक किया है, खुद कॉल भी तुम्हें खुद की है, बाहर भी खुद आई हूँ, ऊपर से तुम गेम खेल रहे हो। यार कोई इंसानियत होती है? मुझे था कि कबीर प्लीज, बस तुम्हारे सीने में दिल नहीं है। एक मिनट, ये तुम क्या कर रही हो? मतलब अभी मुझे तुम पे गुस्सा था और अब मैं गिल्ट में चला गया हूँ। कंफ्यूज हो गए हो ना? अजीब सा है ना सब? यार तुम मतलब कैसे, क्या किया तुम, मुझे बताओ। आर्ट है, ये सुपर पावर सिर्फ लड़कियों के पास है। सुपर हीरो साहिबा,
क्या कर सकते हैं हम आपका मूड ठीक करने के लिए? दिमाग यूज करो कभी, खुद सोचो, एफर्ट करो। तुम हो यार वैसे तो। वो तो हूँ। अब्बा जी, आपने ऐसे ही खामोश रहकर सब होने देना? नहीं, पहले तो आप उसे यहां लाते ही ना, अब हमारी जिंदगियों में शामिल करके ऐसे ही जाने देंगे आप उसे? अब्बा जी, एक बार उससे पूछे तो सही, अगर कोई मसला है, परेशानी है तो दूर कर देते हैं। यहां से शिफ्ट होने की क्या जरूरत है? ठीक है, कोई ना, बात करे उससे, मैं अब खुद ही कर लूंगी।